आप लोग हो ना मेरे साथ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कपाटात, वो मुझे ना कुछ चाहिए था, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मिल ही नहीं रहा। बढ़िया जी, आपको क्या लगा कि मैं कहीं जा रही हूँ? क्यों लगा आपको ऐसा? बस ऐसे पूछ लिया। छोड़, अच्छा है तू तो कहीं नहीं जा रही है, पर कहीं जाना भी मत। जब तक लड़के वाले तुझे देख नहीं लेते, मेरी नजरों के सामने रहना, समझ ला? बप्पा, अब क्या करूं? आची के सामने से गायब होना तो इम्पॉसिबल है। ये क्या फोन पे टाइम पास कर रही है? चल लवकर मटर करंजी आणि आळू वडीची तयारी कर। और हाँ, ओल्या नारळाची करंजी पण बनवायची आहे। लड़के वालों के सामने जितने पकवान म्हणजे लड़की उतनी गुणवान। बढ़िया जी, मैं बना दूं? हाँ। नको, सभी के हाथ में जो स्वाद है ना, वो तेरे हाथ में नहीं है। सभी आज कुछ ऐसा जादू कर कि लड़के वाले बस सभी सभी करते रह जाए। बढ़िया जी, मेरे खाने में तो आई के खाने जैसा स्वाद है। आपको आई के हाथ का खाना पसंद था? गप्पा बस, और चल काम करना शुरू कर दे, आजा। बप्पा, मेरी कुड़कुड़ आजी ने तो आज किचन में ड्यूटी लगा दी, अब डिबेट के लिए कैसे जाऊं? इनकी चील जैसी नजरें मुझ पर ही गड़ी हुई है। ईशा मैम, मैं फंस गई हूँ, पहुंचने में भी देर हो जाएगी। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आती हूँ। सभी, ये क्या फोन में घुसी पड़ी है? हाँ, चल जल्दी से काम शुरू कर। मैं वहां जा रही हूँ। मैम, रिपोर्टिंग टाइम 11:30 है, अभी हमें निकलना चाहिए। 5-10 मिनट और रुकते हैं, फिर चलेंगे। तुम लोग जाओ, बस में जाकर बैठो। सभी, ये रही लिस्ट। हेलो मैम। सभी, कुठे है तू? 10 बज गए बेटा, हम कब से वेट कर रहे हैं। नागपुर जाने में भी वक्त लगेगा ना? बस थोड़ी देर और, मैं कैसे भी करके आ जाऊंगी। फिर से बढ़िया जी। हाँ, एक लड़के को बुलाया है मुझे दिखाने के लिए, और यहाँ किचन के काम में फंसा दिया है। जल्दी आ जा बेटा, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं ना, मैं स्टूडेंट्स को और रोक नहीं सकती। मैम बस 10 मिनट और, मैं कैसे भी करके आ जाऊंगी, और अगर नहीं पहुंची तो आप लोग निकल जाना। ऐसे कैसे सभी, तू हमारी स्टार है बेटा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि भोसले इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप तुझे ही मिले। मैं कुछ नहीं जानती, तुझे बस आना है। मैं और 10-15 मिनट वेट करती। ये सब तुमने बनाया? चलो कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, मैं सारा समेट लेती। बिल्कुल नहीं अश्विनी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि आज का सारा खाना सभी बनाएगी। सारा खाना सभी ने ही बनाया है वहनी, मैं तो बस समेट रही हूँ। एक बार में समझ नहीं आता, हाय, तू हर बार इसकी मदद करेगी तो ये सीखेगी कब तू जाए करना। मुझे रसोई में सिर्फ सभी चाहिए, सभी के अलावा कोई नहीं। जाता ही करना। सभी, सब ठीक से करना।
खाने में सिर्फ स्वाद नहीं दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। लड़के वालों को सब पसंद आना चाहिए। बढ़िया जी, आप जाओ ना, मैं कर लूंगी सब, हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। आज पूरा दिन तो मेरी नजरों के सामने रहेगी, समझ लो। पापा क्यों परीक्षा ले रही हो, मैं तो आइडिया दे दो, थोड़ी तो हेल्प कर दो। थैंक्स पापा, इस आइडिया से तो भूख भी लग जाएगा, मैं नागपुर भी पहुंच जाऊंगी। गुमसुम एक्सप्रेस, थोड़े जल्दी। बप्पा के पास भोग लगाने, आप ही ने कहा था ना, शुभ काम से पहले बप्पा का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। अच्छा, शुभ काम, आज बड़ा याद आ रहा है बप्पा को भोग लगाना। सवी, तेरे दिल में जो आता है ना, वो मेरे दिमाग को पहले ही पता चल जाता है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती, बाहर जाने का बहाना ढूंढ रही है। बढ़िया जी, आपने सिखाया है ना, शुभ काम करो या कुछ भी अच्छा हो तो बापा को भोग लगाओ, आशीर्वाद लो, मैं वही कर रही हूँ। और आप? ठीक है, मैं बापा को भोग लगाती हूँ, तू तो घर स्थाम। ठीक है, आप जाओ या मैं जाऊँ एक ही बात है, मैंने तो इसलिए कह दिया था, वो आपके घुटनों में दर्द रहता ना इसीलिए, पर कोई बात नहीं, आप चले जाइए। अगर तुझे मेरी इतनी फिक्र है तो आज लड़के वालों के सामने ढंग से पेश आना। ये चेहरे पर थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी लगा, बालों में दही लगा, आज अपने साज श्रृंगार पर ध्यान दे। लड़का तुझे देखे तो देखते रह जाए, घर पे बैठ और तैयार हो जा। आप जाइए। दिवाली पे पेंट करेंगे, बहुत डल सा लग रहा है। हरिनी, मैं मंदिर जा रही हूँ, इस पे नजर रखना, घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हो आजी। कैसी आवाज, मैंने तो नहीं सुनी। और तू बता, सच सच बोल, चंबर टक्के मैंने आवाज सुनी है। बढ़िया जी, वो यहाँ से नहीं, अब शायद वहां से आई होगी। बढ़िया जी, मैं कुछ भी करूँ आप मेरे पे भरोसा ही नहीं करते हो। अब आप यहीं रहोगे कि पप्पा को भोग लगाने भी जाओगे? अच्छा एक काम करते हैं, मैं आती हूँ आपके साथ, वरना आपको लगेगा कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ही कर रही हूँ, है ना? आती हूँ। पप्पा बस चुपचाप तैयार हो जा, प्रसाद तो मैं ही चढ़ा के आऊंगी। नाटक मंडल पिछली अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। टाइम से पहुंचना, मेरे क्लासेस में लेट आती हूँ मैं, बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन कल अगर लेट पहुंच गई तो वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ना सभी। टाइम है, पक्का 5 बजे से पहले आ जाऊंगी, ठीक है? अगर आज तो टाइम पे नहीं आई ना तो बढ़िया जी तुझे सभी चव्हाण से लेट सभी चव्हाण बना देगी। और ना कुछ भी हो फोन जरूर उठा लेना, भले कोई भी बहाना बना देना, और मुझे तो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो रही हो, अभी आप शुरू मत होगा, ठीक है? मैं चलती हूँ गणपति बाबा। मैम और कितना वेट करना होगा, प्लीज चलिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे।
कंपटीशन मिस हो जाएगा मैम। आज कुछ भी हो जाए नागपुर तुम्हें जाके ही रहूंगी। हाँ मैम, मैं बस कॉलेज पहुंच ही रही हूँ। अरे तू अब कॉलेज मत पहुंचना, वहां से हम निकल चुके हैं। मैम आई एम वेरी सॉरी, एक काम करते हैं, मैं आपको सीधा तीन हाथ नाके पे मिलती हूँ, ठीक है? सभी और लेट मत करना, ऑलरेडी मैं तेरे लिए इतना टाइम वेट कर चुकी हूँ। स्टूडेंट्स भी अब बेसब्र हो रहे हैं, प्लीज टाइम पे आ जाना। डोंट वरी मैम, मैं अपने धनों पे हूँ, आप लोगों से तो पहले ही पहुंचाऊँ। गाड़ी आराम चालो, पहुँच लो कर। यार ये सभी का क्या नाटक है? मैम मैंने आपसे कहा था वो नहीं आएगी, काम का उसने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। लेकिन सभी के बिना हम कंपटीशन जीतेंगे कैसे? अगर कंपटीशन जीतना है तो सभी को आना ही होगा। मैम सभी आ रही हैं। सभी आ जाएगी, डोंट वरी। अभी पंचर होना था, मैं कैसे टाइम पे पहुंचूंगी? काका यहाँ आसपास कोई बस वगैरह रुकती है क्या? इधर कुटलीस गाड़ी तो हम बस नहीं, बेटा यहाँ बस लोग बाग रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है ना, इसलिए बस इसी उम्मीद से तो हम यहाँ पे धंधा लगाते हैं कि चार पैसे का धंधा हो जाएगा। मेरी तो कुंडली में ही लेट दोष है, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, मैं लेट हो ही जाती हूँ। करो इस बार लेट तो नहीं होना, नागपुर तो पहुंच के रहूंगी मैं, क्या करूं? रुको रुको रुको, लिफ्ट 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 लिफ्ट, रुको प्लीज प्लीज, आप लिफ्ट दे देंगे प्लीज? मदद कर दो कैसे भी करके, मुझे नागपुर पहुंचा दो, आज अगर मैं नहीं पहुंची ना तो। पप्पा बढ़िया जी के हाथों मैंने आज भोग भिजवाया था ना आपके लिए, अच्छा आप कहो तो एक हफ्ता बढ़िया जी से मैं झूठ ही नहीं बोलूंगी, ठीक है? नहीं नहीं, एक हफ्ता बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तीन दिन पक्का बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज मुझे पहुंचा दो। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो उसकी स्कॉलरशिप भी निकल जाएगी, सारे सपने टूट जाएंगे। नहीं 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 पापा, प्लीज 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 पहुंचा दो, कुछ तो कर दो, कोई तो रास्ता दिखाओ। पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 20 से 25 मिनट लगेगा मैडम।
थोड़ा जल्दी चलाइए, बच्चों को चाय नाश्ता के लिए भी रुकना है। जी जी जरूर जरूर। पेड़ पे हमारी बॉल अटक गई है, बस वो ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा निशाना ही नहीं लग रहा है। कहाँ से हो रही? मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, आपकी बॉल निकाल सकती हूँ, लेकिन बदले में आप लोगों को भी मेरी हेल्प करनी होगी। कैसी है? अपनी गुलेल मुझे देनी होगी। हम नहीं देंगे। मैं गई घूमगी, लेकिन आपको बॉल भी उठा देनी होगी और गुड़िया के गाफी पे भी गेंगे होंगे। अच्छा, इतनी छोटी सी और इतनी समझदार, ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।